यार सच में क्या देखना पड़ रहा है। ट्रेंडिंग सेक्शन के अंदर बैड एस रवि कुमार का जो टीजर अनाउंसमेंट डेट या टीजर जो भी है वो ट्रेंड कर रहा है। अब अपने अच्छे काम से या फिर उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है, वहां पे लोग उसको भर भर के ट्रोल कर रहे हैं। इवन आप कमेंट सेक्शन ओपन करके देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि हिमेश रेशमिया जी को कमेंट सेक्शन ओपन करके देखना चाहिए कि लोग उनके द्वारा जो मूवी बनाई गई है, जो टीजर उन्होंने जो डाला है यूट्यूब पे, लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है। भाई साहब जो लोगों ने वहाँ लिखा है, क्या क्या कमेंट मारे हैं उसके ऊपर, मतलब मैं हैरान हूँ यार। लोगों के पास इतना रुपया है कि वो बर्बाद करने के लिए बार बार ऐसी घटिया मूवीज जो है वो बनाते जा रहे हैं। सच में बैड एस रवि कुमार का जो टीजर देखा यार, सर में दर्द हो गया। एक एक होता है ना कि यार हम उम्मीद करते हैं कि यार बॉलीवुड तो इससे घटिया कर भी नहीं सकता, इससे बकवास चीज़ वो बना ही नहीं सकता, लेकिन वो लेके आ जाते हैं ये इस तरीके के ट्रेलर। मतलब मुझे लगता है कि यार जो बॉलीवुड है ना उसके अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने बेड़ा उठा रखा है कि यार नहीं, हम और ज़्यादा घटिया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। यार आप यूट्यूब पर देखिए जो क्रिएटर्स थे जब यूट्यूब पर लोग आना स्टार्ट हुए और आज की डेट में उन्होंने अपने आप को इतना ऊपर उठाया है, उनकी वीडियो क्वालिटी देखिए। लेकिन इस टीजर के अंदर, इस टीजर में आपको पीछे ग्रीन स्क्रीन साफ वीएफएक्स में पता चल रहा है यार। सिर्फ और सिर्फ हिमेश रेशमिया जी ने इस टीजर में किया क्या है, सिर्फ और जो चल के दिखाया उन्होंने। अरे इंस्टाग्राम के जो रीलर्स हैं उनको कंपटीशन देना था तो एक मूवी बनाने की क्या जरूरत थी, वहीं चलकर दिखा देते। लेकिन कमाल है यार, मैं हैरान हूँ सच में। और मैं इस लॉजिक को नहीं समझ पा रहा यार, लोगों के पास इतना रुपए और क्या सोच कर वो इस तरीके की मूवीज बना देते हैं यार। अरे इतना रुपया है मतलब बर्बाद कर रहे हैं। मैं सच में चाहता हूँ यार हिमेश रेशमिया जब ये मूवी आए, ये थिएटर्स में आएगी मतलब ये मूवी थिएटर्स में आने वाली है। इवन अभी तो टीजर आया, इसका ट्रेलर आएगा और ये मूवी थिएटर्स में आएगी। और जो लोग भी इसको देखने जाएं तो वहां पर हिमेश रेशमिया जी जाएं और उनको बताएं कि उनको क्या बीमारी, मतलब कि उनको ऐसा क्या मतलब भूत सवार हुआ कि इस तरीके की मूवी बनानी पड़ गई यार। क्या लॉजिक था इस मूवी को बनाने का, वो अपनी सोच जो है वो साझा करे लोगों के साथ। और सच में पर्सनली मैं तो मिलना चाहता हूँ यार, क्या सोचकर मूवी बनाई। अरे हिमेश रेशमिया जी की ऑलरेडी इतनी सारी मूवीज आ चुकी हैं, कौन सी चली उसके अंदर। मान लेते हैं कि बंदे ने हार नहीं मानी, हम तो अच्छी मूवी बनाएंगे, बढ़िया करेंगे और अच्छा से काम करेंगे, एक ये होता है डेडिकेशन की कर क्या। लेकिन इस टीजर को देखकर तो कहीं से भी नहीं लगता कि यार इसमें बहुत बढ़िया काम किया गया, इतनी सारी कमियां हैं उसके अंदर। ये तो थी, इससे और ज्यादा बदतर इस मूवी के इस टीजर के अंदर जो डायलॉग हमें सुनने को मिलते हैं, अरे यार वो स्टार्टिंग का दूर दूर से वो बच्चा रोता, पता नहीं जो भी रोता है कहता है कि रवि कुमार आ जाएगा है? मतलब सुना ही नहीं था हमने आज तक। जिस तूफानों में तुम्हारे झोपड़े उड़ जाते हैं उसमें हम अपने कच्चे सुखाया करते हैं, जितना तुम्हारे शरीर के अंदर खून नहीं है उतना तो एक बार में रवि कुमार मुंह देता है। ऐसा लॉजिक बनता है यार उस बात का, कोई सेंस है उस बात का, इस तरीके के डायलॉग है यार। अरे यार कसम से मैं इस मूवी में जितने भी जो मेकर्स हैं इस मूवी के, चाहे कोई प्रोड्यूसर हो गया, चाहे वो डायरेक्टर हो गया, चाहे वो स्क्रीन प्ले, कुछ भी जिसने जो भी कुछ लिखा है, डायलॉग लिखे हो या इसकी स्टोरी जिसने भी लिखा हो, या हिमेश रेशमिया जी ने अकेले नहीं लिखा है क्या सब कुछ, कोई तो होगा इनके साथ। मैं चाहता हूँ यार इन सबसे मिलना और इनको मैं मतलब समझना चाहता हूँ यार क्या दिमाग में चल रहा होगा उनके, कि ये सब लिखना पड़ गया उनको, ये सब बनाना पड़ गया उनको। और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस तरीके की मूवी जो है वो लेके आएंगे थिएटर्स में और वो चल जाएगी, लोग देखने भी जाएंगे। कमाल है यार। खैर आप लोगों ने ये ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, ऑब्वियसली ट्रेंडिंग सेक्शन में चल रहा है तो अपनी राय जरूर बता देना कि आप लोगों को कैसा लगा। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, पता नहीं अब आगे चल के इसका ट्रेलर भी झेलना है और मूवी भी आने वाली है, उसको देखते हैं क्या कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।